गुड इवनिंग। आज मैं फिर लोगों को क्लास भेज नहीं पाया। अभी मुझे एकदम से याद आया कि मैंने क्लास ही नहीं भेजी। जब तक याद आया तब तक तो कल्याण हो चुका था। आवाज़ एकदम सही आ रही है, आवाज़ एकदम साफ आ रही है ना? ठीक है, एकदम मस्त आ रही है। मैं चेक करता रहता हूँ अपनी आवाज़ कि साफ है कि नहीं। तो ये मुझे पता है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज कुछ लोग इस टेंशन मतलब इस उसमें हो कि कुछ तो ये ऐसा बता देंगे आज कि जिसको मैं सही से पढ़ लूँगा, या फिर इकोनॉमी करा देंगे, या फिर वही कल के क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे। मैं एक नया टॉपिक लेके चला आता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा करता हूँ। हर अरे 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 हर बार ऐसा करने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसी क्या आदत है इनकी? तो मैं इकोनॉमी का पार्ट 2 लूँगा, PT 365 का पॉलिटी का पार्ट 2 लूँगा। आप मेरे साथ चल रहे हैं और इस बात को बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर चलिए कि मैं कुछ भी नहीं भूला हुआ, मुझे पता है मुझे क्या लेना है और क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि सर क्या भूल गए हैं, या फिर सर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि पार्ट 1 करा के वो भूल गए कि पार्ट 2 पेड कोर्स वालों को देंगे। ये नहीं कर रहे हैं हम। पेड कोर्स वालों के पास जो चीज़ है वो उनके पास PDF है जो सिर्फ उनके पास है, उनके पास टेस्ट सीरीज हैं जो 16 टेस्ट है, उनमें से 14-15 टेस्ट उनके पास है। एक दो मैंने ऑनलाइन कर रखा है जो मैं आपके सामने दिखा चुका हूँ 2 बार। बाकी जो क्रैश कोर्स में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जाता है सुबह सुबह, वो उनके पास जाता है। जो कोई न्यूज़ हो गई या फिर कुछ कंटेंट है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, किसी चीज़ का, वो उनके पास जाता है। आपके सामने मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनेस्को की साइट्स के बारे में जो अभी नई अपडेट आई, जिसके अंतर्गत कुछ 6 नई साइट्स को संभावित श्रेणी में टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक, तो टेंटेटिव लिस्ट में कैसे डाला गया, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में कैसे डाला गया नहीं, आखिर वो साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व स्थल, यूनेस्को के विश्व स्थल कब कहलाएंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कब कहलाएंगे, ये मैं बताऊंगा। इसके साथ में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है इनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले पहला प्रश्न जो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और मुझे लगा शायद आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम आज बायोस्फीयर रिजर्व भी देखेंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, डायग्राम देख लेंगे, साथ में कितने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत हैं उनके भी संख्या देख लेंगे कितने हैं, कौन से सन में कौन सा ऐड हुआ, 11 है कि 12 है, साइट पे क्या दिया हुआ है, करंट में क्या सिचुएशन है, ये देख लेंगे हम लोग। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत इनमें से कौन से नेशनल पार्क आते हैं, इन नाम लिखा हुआ है नागरहोल नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, एरवकुलम नेशनल पार्क, ये लिखा हुआ है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन से पार्क आते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे एट दी एंड ऑफ द वीडियो, देखेंगे डायग्राम और उसमें देखेंगे कि आखिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक, कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं इनको देखेंगे। अभी आगे चल रहे हैं, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। कुछ लोगों ने, बच्चों ने बता दिया सर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिनका रेजोल्यूशन लो हो, जिनको साफ ना दिखाई दे रहा हो, वो राइट कॉर्नर में, यूट्यूब के राइट कॉर्नर में अपने रेजोल्यूशन को हाई कर सकते हैं। 144 पे आपने ऑटोमेटिकली लगाया होगा, वहां पे जाके आप 360 या 240 कर लें तो आपको साफ दिखाई देगा। तो कुछ लोगों का इसमें आंसर है कि सर सी इज 124 इज द राइट आंसर। देखेंगे, हमें खुद नहीं पता, देखना पड़ेगा। हमें खुद नहीं पता मतलब हमें पता है, बाद में देखेंगे, कुछ दिल पे ले जाते हैं और ये सुनने के बाद फिर नीचे लिख देंगे लगता है आप प्री अभी तक दे ही रहे हैं, ऐसे कमेंट कर देते हैं। लेकिन मैं कह देता हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा उसी जगह पर वीडियो आके रोकता है जहाँ पे मैं ये कह रहा होता हूँ कि गलत जानबूझ के बोल के, फिर बाद में कह रहा होता हूँ कि हो सकता है मेरा स्टेटमेंट गलत हो, आप कमेंट करो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। वो वहीं पर रुक जाता है आगे कि अरे ले गलत बता दिया, देखा गलत बता दिया, आता ही नहीं है। आर्टिकल 27 तो कहता है, आर्टिकल 27 तो बोल रहा होता है, आर्टिकल 27 तो कह रहा है कि किसी भी धर्म, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या बोले पड़े हैं कि सभी धर्मों के लिए, लग रहा है प्री की तैयारी कर रहे हैं। सभी धर्मों के लिए ऐसे थोड़ी ना होता, सभी धर्मों के लिए टैक्स लगा सकता है, प्री की तैयारी कर रहे हैं, आता नहीं है।
तो यूनेस्को के बारे में हम लोग देखते हैं, यूनेस्को क्या है, इसके बारे में देखना जरूरत इंपॉर्टेंट है। देखो यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को क्या चीज है, यूनेस्को की अभी मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। मैंने थंबनेल सब डाला था, किसी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आ गया थोड़ी देर पहले, अभी पता नहीं कैसे मैंने थंबनेल बस सुबह लगा दिया था। तो यूनेस्को के बारे में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जो कि अब संयुक्त राष्ट्र लिखा है इसका मतलब यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी, स्पेशल एजेंसी के अंतर्गत आता ही है। तो मैंने आपको यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जहां पर मैंने आपको स्पेशल एजेंसी के अंतर्गत यूनेस्को जरूर बताया होगा, ठीक। इवन यहां तक बताया होगा कि इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक, ये बता बता रखा होगा, जरूर बोल के रखा होगा। ये यूनेस्को करता क्या है, ये शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। किसके सहयोग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किस क्षेत्रों में, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इतना प्रयास कर रही है कि अभी आजकल इसराइल और वहां पे बवाल चल रहा है, इसराइल और वहां के बवाल से याद आया, मोदी जी रो दिए कल, बताइए। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, जिसके अंतर्गत कुक द्वीप, कुक आइलैंड, नियू और फिलिस्तीन, ये 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है लेकिन यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल हैं, ठीक, समझना इस चीज को। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 3 देश जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तो बवाल चल ही रहा है, लिंचस्टीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह यूनेस्को के सदस्य देश के अंतर्गत नहीं आते। हो सकता है आपसे पूछ ले इनमें से कौन यूनेस्को के सदस्य देशों के अंतर्गत नहीं आता, वहां पे हो सकता है ऑप्शन में अमेरिका लिख दे, संयुक्त राज्य अमेरिका लिख दे, इंडिया लिख दे, दो चार नाम इधर उधर के फेंक दे, आपके दिमाग में हमेशा से आएगा अमेरिका तो 100% होगा, हटा है कुछ 1-2 साल पहले, हटा है यूनेस्को से, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई, 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। ये बस आपको 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा है, फिर बम गिरेगा, उसके बाद 1945 में यूनेस्को की घोषणा कर दी जाएगी, मतलब यूनेस्को का गठन कर दिया जाएगा, ठीक। बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। इसकी दो ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं, वैश्विक, इसकी प्रायोरिटीज के अंतर्गत दो बातें आती हैं, कौन सी दो वैश्विक प्रायोरिटी हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जेंडर इक्वेलिटी। जैसे ही मैं बोलूं जेंडर इक्वेलिटी, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर, क्या कोई मुझे एनलाइटन कर सकता है, क्या कोई मुझे पढ़ा सकता है कि वह कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है, क्या कोई मुझे पढ़ा सकता है कि हाँ सर हम आपको पढ़ाएंगे और ये वाला जेंडर इक्वेलिटी की बातें करता है, ये वाला सतत विकास लक्ष्य है जो जेंडर इक्वेलिटी की बातें करता है, लैंगिक समानता की बातें कर रहा होता है, क्या कोई मुझे एनलाइटन कर सकता है, ठीक है, रटा हुआ। क्या कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिड्यूस्ड इनइक्वेलिटी की बातें करता है, रिड्यूस्ड इनइक्वेलिटी असमानता को घटाने की बातें कर रहा है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्या कोई मुझे बता सकता है। वेरी गुड, तो जितने बच्चे ये मेरे साथ पढ़े हुए हैं इनके हाथ नहीं रुकेंगे, ये बहुत धड़ल्ले से मारेंगे, 5, 10 और बहुत तेज मारेंगे, रुकेंगे नहीं। मेरे ख्याल से 5 और 10 रट गया होगा, और ये बच्चे मेरे वाले हैं, मुझे पता है कमेंट्स पता लग जाता है कि बच्चे मेरे वाले हैं, पढ़े हुए लोग हैं। आगे चल रहे हैं, तो यूनेस्को के दो ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं, अफ्रीका और जेंडर इक्वेलिटी। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम पे काम किया जाता है, जिसमें से जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है यूनेस्को के विश्व विरासत सम्मेलन और सूची, ठीक। अब ये जो विश्व विरासत अभिसमय है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 है, जो सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है। कौन सी दो अवधारणाओं को जोड़ रहा है, दो अवधारणाएं हैं, कौन सी, एक तो सांस्कृतिक संपदा और प्राकृतिक प्रकृति के संरक्षण, इन दो अवधारणाओं को एक साथ जोड़ता है क्या, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972। इस कन्वेंशन के द्वारा उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित कर किया गया जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है, ठीक। क्या लिखा है हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हमको इतना याद रखना है कि ये जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को शामिल या सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया वह वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 से शुरू हुआ, ठीक। पहला ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 मेरे ख्याल से, मैंने आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी 1972 बता रखा है, मैंने आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन, अगर मैं गलत बोलूं तो टोक देना, मैंने आपको स्टॉकहोम अभिसमय स्टॉकहोम कन्वेंशन भी 1972 बता रखा है, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक देना कि नहीं सर ये स्टॉकहोम कन्वेंशन नहीं था, यह स्टॉक होम सम्मेलन कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था,
आप कन्वेंशन शब्द का प्रयोग गलत कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कमेंट क्यों नहीं आया भैया? अनुप्रिया श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर कॉन्फ्रेंस था, कन्वेंशन नहीं था। अच्छा कुछ लोग अभी, अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने आपको, अच्छा सम्मेलन था, वेरी गुड। दीपू मिश्रा जी कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। सौम्या सिंह जी कह रही हैं नहीं आप सही बोल रहे हैं, पता नहीं। मधुसूदन श्रीवास्तव कह रहे हैं स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस था वो, स्टॉक होम कन्वेंशन नहीं था। स्टॉक होम कन्वेंशन और स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस में अलग अंतर है, ध्यान रखना इस चीज़ को। स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस भी मैंने आपको स्टॉक होम सम्मेलन भी मैंने आपको 1972 पढ़ा के रखा होगा, अगर आपने मेरे रेड जोन की वीडियो देख रखे हैं तो। तो विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1121 है। भारत में अब तक 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। ठीक, तो फिर अभी हाल में क्यों पढ़ा रहा हूँ? ऐसा क्या हो गया जो पढ़ाना बैठ गया शुरू शुरू आ गया रात के 10 बजे? तो हमें अच्छे से याद है, पहले से रटा हुआ है कि 38 विश्व विरासत स्थल भारत में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 38 है। यूनेस्को ने 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में बताई हैं, लिस्टेड की हैं, जिसके अंतर्गत 30 कल्चरल हैं, 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित स्थल है। हमको तो रटा हुआ है, फिर आज क्यों चले आए 10 बजे? तो उसका कारण है कि अभी हाल में ऐसा क्या हुआ, तो हाल में भारत के द्वारा 6 साइट्स को अपनी संभावित सूची में, जिसे हम लोग कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट, उसमें डाल दिया गया। 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक, ये संभावित सूची के अंतर्गत है, ये उसकी नॉमिनेटेड लिस्ट में भी नहीं है। और एक बार टेंटेटिव लिस्ट बन जाती है तो उसके बाद नॉमिनेटेड लिस्ट बनती है, मतलब नॉमिनेशन को फाइल किया जाता है भारत सरकार 1 साल तक, और ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने साल तक इस टेंटेटिव लिस्ट को रखना चाहती है। तो यहाँ पे आगे पता लगेगा कि भारत सरकार के द्वारा 1 साल तक इस संभावित सूची में इन 6 साइट्स को रखा जाएगा, और 1 साल के बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि इनमें से 6 साइटों में से कितनी साइट्स का नॉमिनेशन फाइल किया जाए यूनेस्को में। किसके लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो? तो जैसे हम लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसके चुनाव लड़ने के लिए, वैसे इन 6 में से कुछ साइटों का नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सामने। लेकिन नॉमिनेशन फाइल होने के बाद भी कुछ ना कुछ एडवाइजरी बॉडी होंगी जो उस नॉमिनेशन को देखेंगी, और वह बॉडी जिनको हम लोग एडवाइजरी बॉडी कह रहे हैं, उनके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को ये एडवाइस किया जाएगा कि जो भारत के द्वारा ये 4 या 5 या 6 नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के काबिल हैं। बहुत ध्यान से सुनना, और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो रुक जाना, फिर से मैं बोलूंगा तो फिर उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि कई लोगों को ये तो मतलब सबको याद है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत भारत में 38 साइट है, 39 नहीं है, 38 है 39 नहीं है, 38 है 39 नहीं है, 38 में 30 साइट कल्चरल सांस्कृतिक हैं, एक मिक्स्ड है और 7 साइट नेचुरल है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैं आपको अभी 2D मैंने बोला है, मैप में दिखाऊंगा, तो मैप में दिखाऊंगा मैं। जैसे ही भारत के द्वारा 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट संभावित सूची में डाल दिया गया, तो अब बोला गया कि भारत के टेंटेटिव लिस्ट में पड़ी हुई साइट की संख्या 48 हो गई। संभावित सूची में 48 साइट स्थल पड़े हुए हैं भारत की जो टेंटेटिव लिस्ट है। ठीक, और ये लिखा हुआ जो मैंने बोल दिया कि 1 साल के बाद ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे कि इन 6 में से कौन कौन से स्थलों को नॉमिनेट, उनका नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। ठीक, तो अभी बताएंगे प्रोसेस क्या है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कौन सी 6 साइट है जो भारत सरकार के द्वारा टेंटेटिव संभावित सूची में डाली गई? नंबर 1 वाराणसी का गंगा घाट, नंबर 2 कांचीपुरम के मंदिर, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, नंबर 3 मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नंबर 4 मराठा सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र, नंबर 5 हिरे बेनकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नंबर 6 मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट लमेहटा घाट। आप कहेंगे क्या ये याद करें? बिल्कुल याद नहीं करना। तो क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कम से कम आपको मेगालिथिक साइट और नियोलिथिक साइट में, अगर वो पूछ दे, यहाँ लिख दे मेगालिथिक साइट, यहाँ लिख दे नियोलिथिक साइट, स्लैश लगा के यहाँ लिख दे लोकेशन, और कह बताओ कि हिरे बेनकल मेगालिथिक साइट की लोकेशन तमिलनाडु है, केरला है, तो आपको कम से कम पता तो रहे कि हिरे बेनकल मेगालिथिक साइट जो हाल ही में 6 6 6 संभावित सूचियों में पड़ी भारत के द्वारा हेरिटेज साइट बनने के लिए, वो मेगालिथिक साइट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कर्नाटक में है।
अगर वो आपसे पूछ ले कि बुर्ज होम कहाँ पर है, तो कश्मीर में रटा होना चाहिए। ये आपको साइट जो मेगालिथिक या न्योलिथिक साइट है वो आपको कुछ कुछ याद होनी चाहिए। हमारे टेस्ट सीरीज में कल मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ ये आपको, ठीक। भेड़ाघाट लमेटा घाट कौन सी घाटी में है, तो नर्मदा घाटी पे, जबलपुर में, ठीक। भेड़ाघाट लमेटा घाट, ठीक, जबलपुर। तो ये भेड़ाघाट लमेटा घाट कौन सी नदी में, क्योंकि करंट में चल रहा तो पूछ सकता, बाकी आपको याद होंगे, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता। वाराणसी गंगा घाट, वाराणसी सबको पता हुआ। कांचीपुरम के मंदिर सबको पता, तमिलनाडु में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सबको रटा हुआ है, कोई भूलेगा नहीं। मराठा वाला आपसे क्यों पूछेगा क्या मतलब बैठता उसको। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत की जो साइट्स हैं, वो मैं अब मैप में आपको दिखाने वाला हूँ कि अच्छा ये नेचुरल है, ये इसकी कल्चरल है। कल्चरल में भी तीन साइट में आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपके सामने फिगर खुल गया है जो आपको स्क्रीन पे बहुत साफ और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो पीले डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीले डॉट्स वास्तविकता में कल्चरल साइट्स को दिखा रहे हैं, और ये जो आपको हरे डॉट्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हरे डॉट्स पीले डॉट्स दिखने लगे। जो ये आपको हरे डॉट दिख रहे हैं, ये नेचुरल साइट्स दिखा रहा है, प्राकृतिक स्थल है। जबकि जो आपको हरा और पीला साथ में दिखाई दे रहा होगा, मेरा कर्सर अगर आप घूमता हुआ देख पा रहे होंगे तो आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। मैं कर्सर जहाँ घुमा रहा हूँ वहाँ पे एक ऐसी साइट दिख रही है जो हरी और पीली साथ में कलर्ड है, ये मिक्स्ड है। इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित स्थल है, ये यूनेस्को का मिश्रित स्थल भारत में है ये। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, जो हो सकता है आज आपको एकदम क्लियर हो जाए, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ऐसा करना, ये जो हरे कलर के बिंदु है इनको जरा गिन के कमेंट कर देना कितने हैं, तो आप गिनोगे। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि हाँ पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा, उसके बाद सातवां। मास्टर जी सात है, यही वो सात स्थल हैं जिन्हें मैंने आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बोला कि ये प्राकृतिक नेचुरल साइट के अंतर्गत आती हैं भारत में, ठीक। जबकि ये जो पीले पीले हैं इनकी संख्या 30 है, ये कल्चरल साइट है। जबकि ये जो एक हरा पीला मिक्स है, इसे मिश्रित कह रहे हैं, ठीक। मैं दो बार इसको बोल चुका हूँ, ध्यान रखना। अब मैं उस हरे पे अपना जो माउस है उसे क्लिक करूंगा, जैसे साउथ में मुझे दिख रहा है, मैंने क्लिक किया, देखो कौन सी ये नेचुरल साइट है, क्लिक कर दिया, क्या लिख के आया, वेस्टर्न घाट। जैसे ही मैंने क्लिक किया दिख गया मुझे वेस्टर्न घाट, मतलब नेचुरल साइट के अंतर्गत वेस्टर्न घाट आ रहा। मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं इस हरे पे क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक करा ट्विंग, क्या लिख के आया, केवला देव नेशनल पार्क। आप कहोगे फतेहपुर सीकरी था, आपने तो बदल दिया, वो पीला पीछे की तरफ पीला भी है तो इसलिए वो दो चीजें एक साथ दिख रही हैं आपको, केवला देव नेशनल पार्क, दूसरी नेचुरल साइट। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया ट्विंग, क्या लिख के आया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। फिर क्लिक किया मैंने, क्या लिख के आया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नेचुरल साइट है भारत में, यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक प्रकृति प्राकृतिक स्थलों में रखी गई है। फिर मैंने क्लिक किया, लिखकर आया मानस, कहाँ पे, असम। फिर क्लिक किया, लिखकर आया काजीरंगा, असम। और फिर क्लिक किया यहाँ पे जाके तो पता लगा सुंदरवन नेशनल पार्क है ये, पश्चिम बंगाल। ये सात नेचुरल साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं। आप बोलेंगे सर वो जो पीला हरा दिख रहा है उसको भी क्लिक कर दो, बढ़िया बड़ा अच्छा लग रहा है, जब क्लिक कर ही रहे हो तो इसको क्लिक कर दो, तो मैंने इसको भी क्लिक कर दिया। ये है कंचनजंगा सिक्किम में, जिसे आप लोग कहते हो मिश्रित, ये है मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड हेरिटेज साइट भारत में, रट्टा लगा के रखना। आपने बोला कि आप इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट भी दिखाओगे, मैं दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है जो खासकर आपको पता होनी चाहिए। मैं देखो जूम करके महाराष्ट्र के अंदर एंट्री मार रहा हूँ, मैंने जूम किया और मैं महाराष्ट्र के अंदर एंट्री मार रहा हूँ, मैं एंट्री महाराष्ट्र में मार चुका हूँ, औरंगाबाद पहुंच चुका हूँ। मैंने क्लिक किया अजंता, अजंता की गुफाएं, ये वही गुफाएं हैं जहां बुद्ध की जीवनी जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, जो मौर्य के सामाजिक सामाजिक सोसाइटी के बारे में वर्णन कर रहा है जातक कथाओं में, जहां पे बुद्ध की जीवनी बचपन के दृश्य दिखाए गए हैं। बाजू में गया तो देखा, मैंने क्लिक किया तो ये है एलोरा, एलोरा की गुफाएं, ये वही एलोरा की गुफाएं हैं जहां पर बुद्ध जैन और हिंदू धर्म की बारे में कुछ ना कुछ आपको गुफा में इंस्क्राइब्ड मिलेगा। थोड़ा और इधर गया और मैंने क्लिक किया तो मुझे पता लगा ये है एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई में आपको दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखना, मैं शायद दो तीन बार बोल चुका हूँ कि उदय, मतलब आप कंफ्यूज मत होना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि उड़ीसा में है खारवेल से संबंधित, और ये एलिफेंटा केव है, कन्फ्यूज मत हो जाना। कई बच्चे कन्फ्यूज होकर गिरते हैं कि एलिफेंटा की गुफा और हाथी गुफा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आज की डेट में आपको ये हेरिटेज साइट्स रटा दी, मेरे ख्याल से अब आपको ये याद हो चुका होगा, अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे क्योंकि आपने मैप देख लिया, अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कल्चरल साइट्स भारत की कितनी है, 30।
30 लिखा है, 30 30। सबसे पहले कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के डाला गया, आगरा फोर्ट 1983, अजंता केव्स 1983 और एलोरा केव्स 1983। 1983 में सबसे पहले तीन साइट पड़ी, कौन सी, आगरा फोर्ट, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। सर करेंट में बता दो जरा, नई कौन सी एकदम दिख रही है, तो 2019 में आपको जयपुर वाला कहीं दिखेगा तो उसको देख लेना। ठीक सर, ये नेचुरल साइट सात आपने बताई, मैंने आपको नाम रटा रखे हैं, मिक्स्ड मैंने आपको बता रखा है, ये जो टेंटेटिव लिस्ट में लिखा है 48, पहली थी 42, छह बाद में जुड़ गई, जो अभी छह मैंने आपको नाम दिखाए, कौन से छह सर दिखाओ कहाँ लिखा है, देखो दिखा रहा हूँ कहाँ लिखा है, ये देखो लिखा हुआ, ये लिखा है 2021 में जोड़ी गई छह टेंटेटिव लिस्ट में संभावित सूची में कौन सी छह हैं, ये देखो पहले लिखा है वाराणसी के घाट, दूसरा लिखा है टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, तीसरा लिखा है बेंगल मेगालिथिक साइट, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इसके बाद नर्मदा घाटी के ये घाट के बारे में लिखा हुआ है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अब भूलोगे नहीं, रट चुका होगा, अब नहीं भूलोगे, अब रट जाएगा। आपने कहा था प्रोसेस दिखाओगे कि पहले पहले टेंटेटिव लिस्ट बनती है, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होता है, उसके बाद ये प्रोसेस भी तो दिखाओ, तो प्रोसेस दिखाते हैं चलो, क्योंकि ये जो बहुत कठिन चीज़ है वो उसको हलवा बना के चलते हैं। जब आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि देखो पहला प्रोसेस होता है कि कोई भी देश अपने यहाँ पहले उन साइट्स को नॉमिनेट करता है, पहले पहले टेंटेटिव लिस्ट में आएगा, सॉरी, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो टेंटेटिव लिस्ट बनाएगा, वो देश सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट बनाएगा, ये नॉमिनेशन प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट बनाएगा, उस टेंटेटिव लिस्ट में क्या लिखा है पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि उस देश के द्वारा, जो भारत देश के द्वारा छह साइट को संभावित सूची में डाल दिया गया। ठीक, अगला प्रोसेस क्या होगा, अब भारत देश के द्वारा एक निश्चित समयावधि में, जो भारत देश का कहना है कि 1 साल के अंदर इन छह साइट्स में से हम कितनी साइट को, कितनी साइट्स का नॉमिनेशन फाइल करेंगे, ये हम 1 साल के अंदर निर्धारित करेंगे। तो अब भारत नॉमिनेशन फाइल करेगा इन छह साइट्स में से, छह की छह कर सकता है, छह में से पांच कर सकता है, चार कर सकता है, तीन कर सकता है, दो कर सकता है, एक कर सकता है। ठीक, इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद जो भारत नॉमिनेशन फाइल करेगा साइट्स को लेकर, वो नॉमिनेशन फाइल होके पहुंचेगा एडवाइजरी बॉडीज के पास। इन एडवाइजरी बॉडी का काम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को एडवाइस करना कि भारत के द्वारा जो नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं, क्या ये नॉमिनेशन फाइल टू द पॉइंट हैं, क्या ये इस क्राइटेरिया को, जो 10 क्राइटेरिया आपने अपनी साइट पे दे रखे हैं, इनमें से 10 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को क्या फॉलो कर पा रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसी बातें बता रहे हो, तो याद रखना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिखा हुआ है कि 10 क्राइटेरिया में से अगर कोई एक क्राइटेरिया अगर फॉलो कर ले जाए कोई साइट, तो उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत फाइनल ठप्पा मार दिया जाएगा। क्या है 10 क्राइटेरिया, नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने, तो फिर कैसे पता लगेगा, तो बस इतना याद रखो, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से, या बहुत अच्छा मतलब एक ऐसा मास्टरपीस हो जो यूनिक हो, जैसे ताजमहल मास्टरपीस है, ठीक, या कुछ ऐसी चीज हो जो मास्टरपीस की तरह कार्य कर रही हो, जिसका ऐतिहासिक वर्णन हो, जिसका भौगोलिक बहुत उद्देश्य, कुछ बहुत अच्छा चीज दिख रही हो, वो हमेशा ठप्पा लगेगा उसका यूनेस्को की, यूनेस्को यूनेस्को की साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ठीक, तो एडवाइजरी बॉडी कौन सी है, नहीं जाननी कौन सी एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन हाँ ये जरूर जानना है कि एडवाइजरी बॉडी के पास किसके पास पहुंचता है जो फाइनल ठप्पा लगाता है, उसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा ही भारत जिन चीज को जिन जिन साइट्स को नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट जिनका फाइल करेगा, नॉमिनेशन फाइल करेगा, उन पे फाइनल ठप्पा मारने वाली संस्था है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, थोड़ा वापस आ जाते हैं, क्या है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, थोड़ा वापस आ जाते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी समझ में आ जाए। लिखा हुआ है कि विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं, तो जो मैंने आपसे बोला कि आपको नहीं समझना है, वो थोड़ा यहाँ पे लिखा है कि विश्व धरोहर स्थल ये या फिर विश्व विरासत स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व तथा विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित क्षेत्रों या संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन स्थलों को यूनाइटेड नेशन तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे आप यूनेस्को कहते हो, के द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है। यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत स्थलों को मानवता के लिए महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इन स्थलों का सांस्कृतिक और भौतिक महत्व होता है, जैसा कि मैंने बोला अभी आपको। ठीक, कुछ अन्य प्रमुख तत्व विश्व धरोहर स्थलों की सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति, अभी बोला मैंने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा प्रशासित, क्या प्रशासित हो रहा है इस कमेटी के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा तैयार की जाती है। कौन तैयार करता है, अंतरराष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इस समिति में, कौन सी समिति, विश्व विरासत समिति में
संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य देश शामिल हैं। तो इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 21 है। कौन इनको सिलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। किसकी जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा, आम महासभा के द्वारा 21 सदस्य देश इस कमेटी में है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, विश्व विरासत समिति। प्रत्येक विश्व धरोहर स्थल जहां वह अवस्थित होता है उस देश के वैधानिक क्षेत्र का भाग बना रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्होंने कह दिया कि आगरा का ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसका मतलब उस पर यूनेस्को का अधिकार हो गया। वो भारत की सीमाओं के अंदर है, भारत के कानून के अंतर्गत कार्य कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो नेशनल इंटरन मतलब एक यूनिक मास्टरपीस है तो अंतर्राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत उसको कंजर्व किया, संरक्षित किया जाएगा कि हाँ भैया हो सकता है कि उसका संगमरमर है जो खराब हो रहा है उस पर इस केमिकल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि इन धरोहर को संजो के रखा जाए। ये धरोहर बहुत आवश्यक है लोगों के लिए। ठीक, तो मैंने ये आपको बता दिया। तो ये वाला जो 6 साइट हैं वो आपको पता लग गई। अब यूनेस्को का एक प्रोग्राम और है जिसे हम लोग कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो याद रखना, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, 18 है, आपको डायग्राम में सामने दिखाई दे रहे होंगे बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत कितनी साइट्स हैं? इन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व साइट रखी जाती है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत भारत में 12 साइट्स हैं, 12 साइट्स हैं। सबसे नई कौन सी जोड़ी गई? पन्ना। ये 2020 में, नवंबर 2020 में सबसे नई साइट जोड़ी गई जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक, सर थोड़ा और बता दो। थोड़ा और बता देते हैं, थोड़ा और बता देते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 12 साइट आपको दिखाई दे रही हैं। इन 12 साइटों के अंतर्गत ये 2001 सुंदरबन, ये जो लिखा हुआ है 2009 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ दी गई। नोकरेक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोकरेक, मेघालय में नोकरेक। नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, अचानक मार, अमरकंटक, अगस्ता मलाय, कंचनजंगा, पन्ना नेशनल पार्क। ये जो पन्ना नेशनल पार्क है जो 12वें नंबर का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत पड़ा हुआ है, ये लेटेस्ट 2020 नवंबर में डाला गया। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 11 नहीं है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, 12 है। जबकि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो आप बोलेंगे टोटल जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या है 18। टोटल जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या है 18। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कितने हैं? 12। लेटेस्ट कौन सा है? पन्ना। ठीक, ध्यान रखना इसको। क्योंकि मैंने बोला आपसे कि मैं आपको नंदा देवी कह रहा हूँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का नीलगिरी, तो ये आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है जिसके अंतर्गत आपको कुछ नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको मुकुरथी नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, मुकुरथी नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखते जाइए, दिख रहा होगा, देख रहा है। ये नीलगिरी का मैं पूरा आपको, मैंने जूम करके इसको कट पेस्ट मारा हुआ है, तो जूम है ये, तो जो जो भाग है नीलगिरी के वो आपको दिख रहे होंगे। मुदुमलाई देखो दिखाई दे रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुदुमलाई दिखाई दे रहा है, मुदुमलाई दिखाई दे रहा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, मुकुटी नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, एरवाकुलम नेशनल पार्क नहीं दिखाई दे रहा, एरवाकुलम नेशनल पार्क नहीं दिखाई दे रहा। आपका अगर पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था, जो सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और आपसे कहा था कि बताओ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत इनमें से कौन से नेशनल पार्क आते हैं, आपका आंसर था सर सी है, नागरहोल आता है, मुदुमलाई आता है, बांदीपुर आता है, एरवाकुलम नेशनल पार्क नहीं आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये क्लास उन लोगों के लिए बोझ बन सकती है जिनको इस तरीके से पढ़ने की आदत नहीं है, जो चाहते हैं कि सीधी सीधी बातें बता दो, इतना तामझाम मत करो कि यूनेस्को की साइट पे लेके जा रहे हो और दुनिया भर की पता नहीं क्या रायता फैला के बैठे हुए हो। सीधा बता दो कि इतनी साइटें, हम उसको देख लें, बात खत्म हो गई, हमको उससे ज्यादा जानना है नहीं।
मेरे द्वारा कई बार आपको 7 प्राकृतिक साइट्स बताई गई, फाइनली मैंने आज दिखा दी। मेरे ख्याल से आज की डेट में आपको 30-7-1 आपके इमेजिनेशन में घुसा होगा कि हाँ, इन्होंने अजंता दिखाई, फिर एलोरा दिखाई, फिर एलिफेंटा केव दिखा दी। ये फायदा होता है इस पढ़ाई का। अगर आपसे कोई प्रोसेस पूछ ले तो आप आज नींद में भी बता के चलोगे कि पहले टेंटेटिव लिस्ट होती है, फिर नॉमिनेशन फाइल होता है, उसके बाद एडवाइजरी बॉडी के पास जाता है, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास जाता है, इसमें 21 सदस्य हैं। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा इस साइट पर ठप्पा मारा जाता है, फाइनली वो भारत, वो किसी यानी किसी भी देश की एक साइट बन के तैयार हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में 38 हैं, 7 नेचुरल हैं, 30 कल्चरल हैं, 1 मिक्सड है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, मैवे के अंतर्गत 12 है, 12वां कौन सा जोड़ा पन्ना है, क्योंकि मैंने डायग्राम दिखा रखा है। तो अब चीजें थोड़ी आसान चलेंगी। ठीक, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको साइट में देखना जरूरी है। जैसे आपको बताया जाता है टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। कल्चरल हेरिटेज साइट में मैंने आपसे बोला 30 साइट है, टेंजिबल इंटेंजिबल को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल का मतलब जिसे आप छू, ताजमहल छू के देख लिया, बहुत सही। इंटेंजिबल क्या हो सकता है, ये म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, किसी तरह की कोई चीज हो सकती है जो बहुत यूनिक क्वालिटी की हो। तो भारत के इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल अगर साइट की इंटेंजिबल की बात की जाए, वो कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट हैं भारत में, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इंटेंजिबल के अंतर्गत पड़े हुए हैं, तो कुछ नाम आपको जरूर याद रखने हैं, जो कि जिनकी संख्या 13 है। 13 के 13 नहीं याद रखने, लेकिन हाँ, 2021 में जिसे नॉमिनेशन के अंतर्गत भारत के द्वारा फाइल किया गया कि उसको इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाल दिया जाए, उसका नाम है दुर्गा पूजा इन कोलकाता। याद रखना, दुर्गा पूजा इन कोलकाता, ये नॉमिनेशन में, ऑनगोइंग नॉमिनेशन लिखा हुआ है, नॉमिनेशन में डाला गया इसको, दुर्गा पूजा कोलकाता को यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डालने के लिए भारत ने इसको फाइल की, इस साइट को फाइल किया, इसको फाइल किया, इसको लिस्ट में डालने की बात की है, जिसका नाम है दुर्गा पूजा इन कोलकाता, मतलब कोलकाता की दुर्गा पूजा। ठीक, कौन से ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी में क्या दिख रहा है आपको, कुंभ मेला दिखाई दे रहा है आपको, नवरोज, नवरोज, नवरोज 75 नाम लिखे, नूरोज, नवरोज, ये दिखाई दे रहा है आपको, योग आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग दी थाथियर्स ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब दिख रहा है आपको, 2013 में संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर दिख रहा है आपको, इंटेंजिबल में पड़े हुए हैं ये, 2012 में बुद्धिस्ट चेंटिंग ऑफ लद्दाख पड़ा हुआ है, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है, चाउ डांस लिखा हुआ है 2010, कहाँ का ये छाउ डांस, चलो देख लेते हैं छाउ डांस कहाँ का है, मैं क्लिक करके चलाता हूँ, छाउ डांस पे पहुंच जाता हूँ, कौन सा छाउ डांस है, थोड़ी क्लास जरूर इनोवेटिव सी हो जाएगी, लेकिन हाँ, आज के बाद आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान नहीं होंगे कि हाँ ये क्या चल रहा है, ये इन्होंने एक बार बता दिया तो कम से कम क्लियर हो जाएगा। तो छाउ डांस के बारे में सामने लिखा हुआ है, इट इज अ ट्रेडिशन फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया दैट इनेक्स एपिसोड्स फ्रॉम एपिक्स इंक्लूडिंग द महाभारत एंड रामायण, पूर्वोत्तर भारत, पूर्व भारत में ये नाटक के आधार पर, कौन से नाटक मतलब कौन से काव्य हैं, महाभारत और रामायण के आधार पर जो एपिक हैं, महाकाव्य हैं, इन पे जो एपिसोड हैं उनके आधार पर ये छाउ डांस को किया जाता है। लोकल जो फोक डांसर हैं उनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट थीम पर ये डांस किया जाता है। इट्स 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल हेल फ्रॉम द रीजन्स ऑफ, लिखा हुआ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मयूरभंज, ये सारी चीजें लिखी हुई, इसका मतलब ये वही एरिया है पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला इलाका। ठीक, याद रखना पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, वरना इसको दिखाने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कालबेलिया फोक डांस ऑफ राजस्थान, सांप वाला डांस, मुड़ियट्टू केरला, रामवन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय, कुटियट्टम केरला, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण, ये 13 एलिमेंट इंस्क्राइब्ड हैं भारत के इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के अंतर्गत। ठीक, इंटेंजिबल है ये, ठीक, अमूर्त अमूर्त जो आप लोग हिंदी में बोलते रहते हो। ठीक, ध्यान रखना पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ये 13 भले ही ना याद हो, लेकिन जो मुख्य रूप से खासकर कुटियट्टम मुड़ियट्टम ये याद रहने चाहिए, केरल के डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म। दूसरा टॉपिक जो मैंने इस स्लाइड में उठाया हुआ है, इस स्लाइड का दूसरा टॉपिक है एक योजना, जो GS 2 में अगर देखा जाए तो स्कीम के अंतर्गत जो आपका हेडलाइन है, हेडलाइन कह रहा हूँ कि जो सिलेबस की हेडलाइन है उसके अंतर्गत पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़,
ये आपको अगस्ता मलाई बागेश्वर रिजर्व दिखाई दे रहा होगा, अगस्ता मलाई बागेश्वर रिजर्व दिखाई दे रहा होगा। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि पेपर, देखो दिख रहा होगा, पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपर 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 नैयर, नैयर दिख रहा है, पेपर नैयर, ये अगस्त्या के अंतर्गत आती हैं, याद रखना। पूछ लिया था, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर नैयर ये किस वाइल्ड लाइफ या किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, तो अगस्ता मलाई याद रखना, भूलना मत, पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। GS2 के पेपर के अंतर्गत जो हेडिंग है वो है केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, ये GS2 की हेडिंग है आपके सिलेबस की। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आ रही है। मैंने जानबूझ के ये लिंक डाला, जानबूझ के मैंने आपको एक इमेज डाली हुई है जहाँ पे आपको ये दिख जाएगी कि ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आपको दिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहाँ पर इसका उद्देश्य है एम्स स्थापित करना। 6 एम्स ऑलरेडी सक्रिय, मतलब इसके द्वारा स्थापित किए गए इस योजना के अंतर्गत और सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं। 22 नए एम्स को खोलने की बातें की जाने लगी हैं। कौन से 6 नए एम्स खोले गए हैं? भोपाल में, भुवनेश्वर में, जोधपुर में, ऋषिकेश में, रायपुर में, पटना में, ये मैं दिखाने के लिए मैंने इसको क्लिक किया। तो यही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें 6 पहले से ही पूर्णतया क्रियाशील हैं। तो ये क्या है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई 2003 में, देश के विभिन्न भागों में सस्ती विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन विसंगतियों को दूर करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर चिकित्सीय शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए उद्देश्य की गई थी। किसकी स्थापना, किसकी शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत होता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया, इस योजना के 2 घटक हैं। पहला घटक नए एम्स संस्थाओं की स्थापना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करना और विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, अपग्रेडेशन करना। ठीक, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज संस्थान के उन्नयन हेतु परियोजना लागत को जो पैसा लगेगा वह केंद्र और राज्य के मध्य साझा किया जाता है। इसका मतलब ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के द्वारा जो पैसा लगेगा उसको साझा किया जाएगा। ठीक, याद रखना, ये मेरे 2 टॉपिक थे जो आज के, वो मैंने जानबूझ के इस क्लास में रखे क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसको अलग से वीडियो डाल देंगे आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं, इसको की बड़ा डिटेल्स आई तो हमको बहुत पहले से पता है, लेकिन शायद ये आज के बाद आपके लिए एक अच्छा ही वो बन जाएगा कि आपको याद हो गया मेरे ख्याल से। तो यहीं तक की आज की क्लास थी, इसके आगे मैं क्लास को नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, हु इज लीविंग दे डोंट नो वॉट दे आर लूजिंग। त्रिपाठी, त्रिपाठी जी कह रही हैं कि जो लोग जा रहे हैं, हाँ इसमें कोई, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले सामान्यतः बच्चों की एक एक उनका ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है उनका, वो उसको फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि आओ, सीधे बता दो और सीधे खत्म कर दो, वो सबसे अच्छा तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग चला जाता है, मैं चीज़ों को और ज़्यादा इनोवेटिव वे में बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि भगने लगे, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही, क्या पहली बार प्री दे रहे हैं का, लगता है प्री दे रहे हैं आप, तो ऐसे कमेंट फिर आने लगेंगे, फिर इस तरीके से हो जाएगा कि कुछ जगहों पर कुछ और चर्चाएं होने लगी हैं आजकल इस चैनल को लेकर। उसका कारण है कि अब धुआं निकलना शुरू हो गया है, अब आग लगेगी धीमे धीमे, अब धीमे धीमे लोग फॉलो करने लगेंगे। तो आप जुड़े रहिए, आपको धीमे धीमे कई चीज़ें बहुत नई पता लगेंगी, और जब आप PCS का पेपर दे के निकलेंगे, RO का पेपर दे के निकलेंगे, तो जो लोग बहुत सीरियस नहीं है, जो बिल्कुल खानापूर्ति में भग गए, देखा अरे नहीं हमें तो याद है हम जा रहे हैं, वो एक्चुअली में रोएंगे, और जो बैठे हुए वो समझ पाएंगे कि हाँ मैं क्या करने की कोशिश में था। जब उनसे पूछा जाएगा कि ये बायोस पर रिजर्व बताओ, और उनके दिमाग में डायग्राम कौंधने लगेगा। जब उनसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत भारत में कितनी साइट है, तो उनके दिमाग में डायग्राम कौंधने लगेगा। जब उनसे पूछा जाएगा कि नेचुरल साइट भारत में कितनी है, तो उनके दिमाग में चीज़ें कौंध रही होंगी कि यार 7 दिखाई थी इन्होंने, ये कहा था मिस्ड के अंतर्गत आ रही है, ये जनता दिखाई, एलिफेंटा दिखाई, ओलेरा दिखा दी इन्होंने। तो अब आपके थोड़े यूनिक चीज़ें तो आपको लगेंगी, आपको तो अलग अलग तो आप देखोगे, दिखाई दोगे। बाकी पढ़ते रहिए और साथ में जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ हम लोग बेहतरीन कर ही रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों का साथ है ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने कल तो आपसे कहा कि मैं YouTube का रिक्शा वाला हूँ, जिसको लोग देर से देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो टिक जा रहे हैं, कई जगह पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ये आप ही कर सकते हो जो मुझे पहुंचा सकते हो लोगों तक, यहाँ देखो कोई एक तरीका ये भी हो सकता है जहाँ के तो आप पढ़ सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, मैं कोई भगा भी नहीं रहा होता हूँ वीडियो, बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा होता हूँ जानबूझ के, चाहे आप कितनी बार भी कहें सर तेज पढ़ा दो, तब भी धीमे पढ़ाता हूँ। बाकी पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।
जय जय। इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ प्रियांशु दुबे टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। साथ में आप जनरल स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करिए, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए, टीसीएस जय हो आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। इसके अलावा आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल अगर डालेंगे तो मेरी ये फोटो जो आपको सामने दिख रही हो आपको दिख जाएगी, इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मैं लिस्ट ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक, बाकी बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच। योगेश प्रताप सिंह तोमर जी, इकोनॉमिक्स की क्लास का पार्ट 2 होगा बिल्कुल। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, कल अभ्युदय क्लासेस के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं कल करिएगा जरूर आके, क्योंकि कल आपको पता लगेगा कि आपने मेरे साथ पॉलिटी पढ़ी है तो किस स्तर की पढ़ी हुई है और क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी और पीसीएससी पीसीएस के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट में रहेंगे, उनको जरूर करिएगा आगे। कल क्लास होगी 5 बजे शाम को, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अरे भाई।